नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे व्यंजन य र ल व श की गतिविधि। और इस गतिविधि के लिए हमें बनानी है ये एक कहानी। जैसे मैंने सेम कहानी बनाई है, आप भी इसी तरीके से यही सेम कहानी बच्चों को बनाकर एक शीट पर देंगे और उसके बाद और उसके साथ हम रखेंगे ये पांच रंग, और इन पांच रंगों को हम निर्धारित व्यंजन के नीचे अंडरलाइन करेंगे, जिससे हमें बच्चे को यह समझाना है कि जो रंग हमने इस व्यंजन के नीचे लिया है उसी व्यंजन से इसको सर्कल या अंडरलाइन करना है। इस कहानी के अंदर हमने ज़्यादातर कोशिश करी है इन्हीं व्यंजनों का प्रयोग करने की, तो उन्हीं व्यंजनों को हम लेकर और करेंगे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत गतिविधि। देखिए कुछ मैंने करके रखे हैं, जैसे कि य व्यंजन को मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके रखा है। एक बार यश, य आया तो य को मैंने हरे रंग से अंडरलाइन कर दिया। आपको भी इसी तरीके से बच्चे को बोलना है अंडरलाइन करने के लिए। फिर उसके बाद जितने भी य स्टोरी में आएंगे सबको करेंगे, जितने र आएंगे स्टोरी में उस सबको करेंगे। आइए करते हैं र को। एक बार र, यश व लव दोनों भाई एक घर र में रहते थे। र, वह वन से लकड़ी काट कर र लाते थे। यह व्यापार र, र करते करते र काफ़ी साल बीत गए थे। अब वह शहर र जाकर र लकड़ी बेचने लगे। यश शहर र जाकर र शहद भी बेचने लगा। शनिवार र को यश सारा र शहद बेचकर र घर र लौटता था। वह खुशी खुशी रहने र लगे। तो इस तरीके से आपको जितने भी र इस स्टोरी में आएंगे उन सबको अंडरलाइन किया। अब हम करेंगे ऐसे ही ल को, व को और श को, तीनों को। चलिए आइए करते हैं। चलिए आइए अब हम करेंगे श को अंडरलाइन। सारे हमने कर लिए हैं, य भी हमने कर लिया, र ल व।